अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूड मैप आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है रबड़ी फालूदा विद आइसक्रीम जिसके लिए अब आपको बाजार जाने की ज़रूरत नहीं है आप उसे घर पे ही बना सकते हैं आसानी से और वो भी 10 से 15 मिनट में तो चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम रबड़ी बनाएंगे उसके लिए हमने लिया है दो कप दूध ये ठंडा दूध है अभी हमने फ्लेम ऑन नहीं की अब हम इसमें डालेंगे आधा कप मिल्क पाउडर आप किसी भी कंपनी का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं एवरी डे ले लें या नीडो ले लें ले ले, इसको हम इसमें अच्छी तरह मिक्स कर देंगे ताकि इसमें लम्स नहीं रहें रबड़ी बहुत ही इंस्टेंटली तैयार हो जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है तो हमने मिल्क पाउडर को अच्छी तरह मिक्स कर लिया है अब हम फ्लेम ऑन कर देंगे अब हम इसमें डालेंगे वन फोर्थ कप चीनी और इसको पकने के लिए रख देंगे दस से बारह मिनट के लिए तो दूध को पकते हुए पाँच से छः मिनट हो गए हैं अब हम इसमें डालेंगे दो खाने के चम्मच कूटे हुए बादाम और इसको मज़ीद पकने देंगे पाँच से छः मिनट के लिए ताकि दूध थोड़ा और गाढ़ा हो जाए तो इसको पकते हुए दस से बारह मिनट हो गए हैं और दूध पहले से गाढ़ा भी हो गया है हमने इसको बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना तो इसको हम जब ठंडा करेंगे तो ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा तो अब हम इसको उतार लेंगे और फ्रीज़र में रख रखकर ठंडा करेंगे तो अब हम लेंगे एक गिलास तो ये हमने लिए हैं तुमलंगा के बीज इनको हमने पाँच मिनट के लिए थोड़े से पानी में भिगो के रख दिया था तो वो हम इसमें डाल देंगे अब हम इसके ऊपर डालेंगे फालूदा सवैयाँ ये होम मेड सवैयाँ हैं अगर आपको इनकी रेसिपी चाहिए तो आप ऊपर आई कार्ड पर क्लिक कर सकते हैं ये सवैयाँ भी बहुत ही आसानी से पाँच से छः मिनट में तैयार हो जाती हैं अब हम इसके ऊपर डाल देंगे रबड़ी इसको हमने फ्रीज़र में रख के अच्छी तरह ठंडा कर लिया था अब हम इसके ऊपर डालेंगे एक स्कूप बादामी कुल्फ़ा आइसक्रीम का अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देख सकते हैं ये होम मेड आइसक्रीम है अगर आप आइसक्रीम नहीं भी डालेंगे तब भी ये फालूदा बहुत ही टेस्टी लगेगा अब हम इसके ऊपर बादाम गार्निश कर देंगे व्यवर्स जी हमारा रबड़ी फालूदा विद आइसक्रीम तैयार है तो ये बहुत ही यमी बनता है और बहुत जल्दी से तैयार हो जाता है तो अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं और आप इनको ट्राई करते हैं तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़